हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का भाग 7। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मांग क्या होती है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मांग फलन किसे कहा जाता है और आखिर में हम जानेंगे मांग का नियम क्या होता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मांग से और जानते हैं मांग क्या होती है। दोस्तों, मांग किसी वस्तु की ऐसी मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता निश्चित कीमत पर और दी गई समय अवधि में अपने दिए गए अधिमानों व रुचि पर खरीदने के लिए तैयार होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। दोस्तों, सबसे पहले मांग को प्रभावित वस्तु की अपनी कीमत करती है। दोस्तों, वस्तु की अपनी कीमत कम या ज्यादा होती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ या घट जाती है। दोस्तों, मांग को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है संबंधित वस्तुओं की कीमत। दोस्तों, संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरा पूरक वस्तुएं। दोस्तों, स्थानापन्न या पूरक वस्तु की कीमत में अंतर आने पर भी किसी वस्तु की मांग घट या बढ़ जाती है। दोस्तों, स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में और पूरक वस्तुओं के बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मांग को प्रभावित करने वाला अगला कारक क्या है। दोस्तों, उपभोक्ता की आय मांग को बेहद प्रभावित करती है। दोस्तों, आम तौर पर आय बढ़ने पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग बढ़ जाती है और आय घटने पर मांग घट जाती है। जैसा कि आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप ज्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं और जब आपके पास कम पैसा या कम आय होती है तो आप उन्हीं वस्तुओं की मांग को घटा देते हैं। दोस्तों, मांग को प्रभावित करने वाला अगला कारक है उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता या उपभोक्ता का अधिमान। दोस्तों, उपभोक्ता की रुचि, फैशन और आदत भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर कुर्ते पजामे के बजाय पैंट कमीज का फैशन आ जाता है तो पैंट कमीज की मांग बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मांग का फलन क्या होता है। दोस्तों, किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी जाना, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से होते हैं और यही कारक वस्तु की मांग को निर्धारित भी करते हैं। दोस्तों, मांग के मुख्य चार निर्धारक हैं: वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय व उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता। दोस्तों, इनमें से किसी भी तत्व में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा यानी कि मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मांग फलन मांग के निर्धारक तत्वों और मांग की मात्रा में संबंध को दर्शाता है।
दोस्तों, इसे हम एक सूत्र के द्वारा भी जान सकते हैं। दोस्तों, इस सूत्र में DA A वस्तु की मांग को दर्शाता है और F का अर्थ है फलन या इंग्लिश में फंक्शन। दोस्तों, PA का अर्थ है वस्तु A की कीमत और PB का अर्थ है अन्य वस्तुओं की कीमत। दोस्तों, इस सूत्र में M का अर्थ है उपभोक्ता की आय और T उपभोक्ता की रुचि यानी कि उपभोक्ता के टेस्ट को दर्शाता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि A वस्तु की मांग, A वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा रुचि का फलन है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मांग का नियम क्या है। दोस्तों, मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, मांग के नियम को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। दोस्तों, यहाँ अन्य बातें हैं उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की प्राथमिकता और अन्य वस्तुओं की कीमत। इन सभी के समान रहने पर, अर्थात इन सभी में जब परिवर्तन नहीं किया जाता, तो जैसे जैसे किसी वस्तु की अपनी कीमत घटती है, तो वैसे वैसे उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। और जब इस वस्तु की अपनी कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग की मात्रा घट जाती है। दोस्तों, सरल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं, जब वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। दोस्तों, जब टमाटर की अपनी कीमत घटती है तो टमाटर की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा आपने अपने आम जीवन में भी देखा होगा, जब टमाटर सस्ते होते हैं तो घरों में टमाटर का उपभोग बढ़ जाता है या टमाटर की खरीद बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। दोस्तों, ऐसा हमें अपनी दिनचर्या में देखने को बहुत बार मिलता है। जब टमाटर या प्याज महंगे हो जाते हैं तो उपभोक्ता उनका उपभोग कम कर देते हैं। इसी को हम मांग का नियम कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि मांग किसे कहते हैं। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मांग फलन का अर्थ क्या है और मांग फलन किन किन तत्वों से मिलकर बना है, और आखिर में हमने जाना कि मांग का नियम क्या है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे मांग वक्र के बारे में और देखेंगे इसे कैसे बनाया जाता है।